नौकरियों की कमी बताकर कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू जी को कोसते से भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? अभी भी अपनी गलतियां क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आप मूलभूत आवश्यकताओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। पब्लिसिटी वो उसको ज्यादा ऊपर रख रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। रिजर्व बैंक से फंड लिया गया है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ, वैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमेशा बोलने वाले पीएम अर्थव्यवस्था पर क्यों है मौन? The Prime Minister also is not, hasn't done formal education in economics. आखिर कब मानेंगे अंधभक्त कि हाँ सरकार में कमी है? अर्थव्यवस्था पर तो वो बात कर ही नहीं रहे हैं। अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। हर जगह हर मुद्दे पर बात करने वाले भारत देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था पर मौन है। वैसे मौन प्रधानमंत्री का शीर्षक तो मनमोहन सिंह के पास था, पर जैसा कि ट्रेंड में है, विपक्ष के पास कुछ अच्छा हो ये सरकार को बर्दाश्त कहा, क्योंकि हर उपलब्धि हर तारीफ सरकार को अपने पास ही चाहिए। नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ वर्षा। हर बड़े स्तर पर विपक्ष को कोसा जा रहा है, स्वर्गीय लोगों की कमी गिनाई जा रही है, पर क्या ये समाधान अपनी कमजोरी से लड़ने का है? क्या मरहूम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू जी को कोसते से भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? मोदी लहर में सब ऐसे मग्न हैं कि किसी को मंदी, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा क्यों? सवाल इतने हैं, पर जवाब देने वाले बाकी दूसरे मुद्दों में इतने मशगूल हैं, उन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई कभी भी कि अर्थव्यवस्था पर बात करें, या हो सकता है उनके हिसाब से ये चिंता करने वाली बात ही नहीं है। दूसरों की कमी बताकर कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था? देश की जिम्मेदारी सौंपी गई नरेंद्र मोदी को, बहुमत से सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब और क्या चाहिए? लेकिन अपने काम करने से ज्यादा ध्यान तो सरकार का इस बात पर है कि सालों पहले नेहरू गांधी परिवार ने क्या किया था। क्या इसलिए जनता ने भरपूर समर्थन किया था, इसलिए वोटों की बारिश की थी कि जब सरकार बने तो आज के मुद्दे छोड़ 70 साल की चर्चा की जाए? क्या इससे देश का विकास होगा? तथ्यों पर बात करें तो नेहरू गांधी परिवार ने भी जनता के वोटों से ही सरकार बनाई थी, जैसे बीजेपी की बनी है। लोकतंत्र तब भी था, ना कि गुलामी थी, जनता ने अपनी मर्जी से अपने वोट दिए थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने काम किया, देश मोदी को चला चलाया दिया था, उनके नाम उपलब्धि भी दर्ज हो चुकी है। 5 साल पहले से हम हर स्तर पर कामयाबी हासिल कर चुके थे, वैज्ञानिक, व्यापार, सेना बल, हर क्षेत्र में सब कुछ 5 साल पहले भी था। हाँ मोदी जी, आप आए, आपने विकास किया, क्योंकि आपने जनता को कहा था आप देश चलाएंगे। जनता के वोट के बाद आपने अपना काम किया, चलो माना सब गलत और वो लोग तो चले गए, उनकी बात करके आप अपने काम कैसे करेंगे? वो लोग गलत थे, पर उससे अभी की हालत कैसे सुधरेगी? आपकी सरकार अपने काम ना करके दूसरों की चिंता कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या इससे देश चलेगा? समाधान देखा जाए तो क्या गिरती अर्थव्यवस्था का इससे समाधान हो पाएगा? अभी भी अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार कर रही सरकार? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था की स्थिति फिलहाल बहुत चिंताजनक है। जीडीपी का 5% पर पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि हम एक लंबी मंदी के भंवर में फंस चुके हैं। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टुडे इज डीपली वरिंग। द लास्ट क्वार्टर्स जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5% सिग्नल्स दैट वी आर In the midst of a prolonged slowdown, India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. बयान जाने माने अर्थशास्त्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस दावे का जवाब देते हुए कहा कि वो उनकी सरकार की ही गलतियों को सुधार रहे हैं। लगता है जिसने ये बयान दिए उसने नजर आंकड़ों पर नहीं डाली। अर्थव्यवस्था अभी बदतर हुई है, ना कि 5 साल पहले से। नोटबंदी भी इस कारणों में शामिल है, लेकिन ना तो सरकार इस पर खुलकर बात कर रही है, ना ही जनता सच कबूल कर रही है। आइए अब बात आंकड़ों पर कर ले, और आंकड़े हवाई बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रतिन रॉय ने खुद बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट की ओर जा रही है। उनके हिसाब से भारत भी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे धीमी गति के विकासशील देशों की राह पर चल पड़ा है, और डर है कि आर्थिक मंदी उसे घेर लेगी।
राय का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। रतन रॉय ने आगाह किया कि अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बहुत गहरा है। देश की विकास दर में गिरावट दर्ज हुई। पहली तिमाही अप्रैल से जून में विकास दर 5.8% से घटकर 5% हो गई है। अगर सालाना आधार पर तुलना करें तो करीब 3% की गिरावट है। एक साल पहले इसी तिमाही में जीडीपी की दर 8% थी। बीजेपी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही आर्थिक नीति पर सवाल उठा दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नई सरकार आर्थिक नीति के बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना संभव नहीं है। केवल साहस या केवल ज्ञान से ही अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकते, इसलिए दोनों की जरूरत है और आज हमारे पास दोनों में से कोई भी नहीं। Mr. Jaitley couldn't do it because he didn't know in economics. He is not trained in economics. The Prime Minister also is not, hasn't done formal education in economics. My first article in 2015 in the Hindu newspaper, and since then I've been warning, writing to the Prime Minister and so on. Now what has happened is, since 2015 we have been sliding down. And now the quarter is down to 5%. That 5% is on current prices. I don't think in constant prices will be more than 3.5%. ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3.5 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। जून के आंकड़ों के मुताबिक देश में वाहनों की बिक्री पिछले 19 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। बेरोजगारी पर नजर डालें तो करीब 45 साल की ये ऊंचाई दर पर है। गुजरात में टेक्सटाइल उद्योग बर्बादी की कगार पर है। ये बात हैरानी वाली है कि 1.5 लाख मजदूर सूरत छोड़ चुके हैं। ये सभी आंकड़े जाने माने विख्यात मानचीन न्यूज़पेपर के हैं। अब मंदी की आहट सिर्फ सुनाई नहीं दे रही बल्कि साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। अफसोस, अभी भी सरकार मौन है और बेफिक्र भी। हमेशा बोलने वाले पीएम अर्थव्यवस्था पर क्यों है मौन? पुलवामा हमले में मोदी जी देश के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वही प्रधानमंत्री आज अर्थव्यवस्था पर बात तक नहीं कर रहे। वैसे जिस पुलवामा के इतने चर्चे हुए उसकी सच्चाई भी लोग कबूल नहीं कर पा रहे। मोदी जी उस वक्त मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा भी मिला। और मोदी जी के विदेश दौरे, उनका क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 55 महीने के कार्यकाल के दौरान विदेशी दौरों पर अगर खर्च का ब्यौरा देखा जाए तो मई 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अब तक के विदेश दौरे पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, ये मुद्दे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते। क्या अर्थव्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी को ध्यान देने, चिंता करने या बात करने की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही? ऐसा भी नहीं है कि फैसले नहीं लिए गए। आरबीआई से इतिहास में पहली बार लोन लिया गया और लोगों को लगता है कि अभी भी सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। हाल ही में सरकार ने आर्थिक सुस्ती दूर करने और देश में विश्व स्तरीय बैंक बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की। सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस पहल से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। बैंकों में प्रस्तावित इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 थी। आखिर कब मानेंगे अंधभक्त कि हाँ सरकार में कमी है? जी हाँ, अंधभक्त। लोगों को लगेगा गलत है ये शब्द। जैसे ट्रेंड में पप्पू है वैसे ही अंधभक्त भी है। अंधभक्त की परिभाषा ये है कि अकेले इंसान ने सब अकेले किया, वो सही और उसके अलावा बाकी सब गलत। कमी पर बात ना करके दूसरों को कोसना ये अंधभक्ति है। इसमें समर्थक शामिल नहीं होते। अच्छे फैसलों को समझना, साथ देना, समर्थन करना ठीक है, पर किसी की गलती ना देखना अंधभक्ति है। और ये शब्द चर्चा में है मोदी जी के भक्तों के लिए, क्योंकि ऐसे लोग जमीनी स्तर के आंकड़ों को भी झुठला रहे हैं। फिर आप कितने सबूत दिखा दें, वो व्यर्थ रहेंगे। अभी हाल ही में 7i News ने जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर आज के नौजवानों से राय जानी, जिसमें 95% लोगों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोदी जी के खिलाफ ना कुछ सुन सके और ना बोल सके। उनके हिसाब से देश में सब ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर। बात में सच्चाई है कि अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इकोनॉमी हमारी गिरती चली जा रही है। अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है,
और अभी अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अपना 1,76,000 करोड़ का फंड था सरप्लस फंड, वो भी जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अर्थव्यवस्था को लेकर ढिंढोरा पीट रही थी, वो मेरे हिसाब से एक छल साबित हो रहा है देश के हर सेक्टर के साथ। चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लीजिए या आप गवर्नमेंट सेक्टर देख लीजिए, सारे सेक्टरों में भारी मंदी चल रही है इस समय। इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में होना चाहिए और इस मुद्दे के बारे में बहुत बातें होनी चाहिए, रिसर्च और मेनली सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन जो हमारी मीडिया में दिखाए जा रहे हैं वो है सिर्फ प्रधानमंत्री के दौरे, 370 है इम्पोर्टेंट मुद्दा, लेकिन जो मेन क्राइसिस है उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा। तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई देना चाहिए। इंतजार रहेगा जितने जुनून से 70 साल की गलतियां गिनाई गई, जितने शिद्दत से अपनी उपलब्धियां बताई गई, एक बार ही सही किसी बड़े स्तर पर सरकार इस बात पर चिंता करे और खुलकर बात करे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। फिलहाल के खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।